लुक एट दिस, ये है वो पपी जो काफी ज्यादा रेयर माना जाता है, क्यों भैया? हाँ ये रेयर कलर है। विच कलर? वाओ कितना क्यूट लग रहा है यार। सकते हो ना मतलब, अरे प्यारी समझ गई। ये देखो फ्रेंच बुलडॉग होंगे अभी आपके पास, अराउंड 7 to 8 हैं और अलग अभी अलग कलर्स में, अलग अलग कलर्स हैं, सारे एक से एक एक्सोटिक मिलेंगे आपको। अलग अलग कलर्स हैं, क्या बात है। इनका बिहेवियर थोड़ा ना नॉटी, मतलब नॉटी होता है ना बंदा, बिल्कुल नॉटी नॉटी हरकतें करता रहता है, शरारतें। ये बिल्कुल वैसे, देखो व्हाट्सअप एवरीबॉडी, क्या हाल चाल है सभी लोगों के। तो गाइस आज का ब्लॉग हमारे एक ऐसे टॉपिक के ऊपर होने वाला है जिसका आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा डिमांड आती है और काफ़ी ज़्यादा क्यूरीज भी आती है। मेरा आपने इंस्टाग्राम पूरा डीएम से भर दिया है, बट आज मैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ जो कि काफ़ी ज़्यादा एग्जॉटिक, काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव भी है, बट कोई नहीं, एक ऐसी चीज़ दिखाएंगे जो पूरे दिल्ली NCR के अंदर नहीं है। तो अभी गाइस मैं आ रखा हूँ रवि भाई के पास। क्या हाल चाल है? राम राम है सभी लोगों को, और जो कुछ भी है सबको हमारे यहाँ दिल से हैप्पी न्यू ईयर है, क्योंकि और ये मेरी साल की फर्स्ट वीडियो पड़ रही है, अभी तक मैंने कोई वीडियो नहीं डाली, तो उसके लिए थम्स अप कर देना सबको, कॉन्ग्रेचुलेशन नए साल की, ठीक है, चिल करो सारे के सारे। और आज मैं एक ऐसे टॉपिक कवर करने आया हूँ यहाँ पे, बताओ जरा कुछ हमारे व्यूअर्स को। भाई बात करें तो अभी हमारे पास एक ऐसा शानदार पप कलर में आया है, हाँ जी, जो कि रेयर इन इंडिया माना जाता है। रेयर इन इंडिया, काफी कंट्रीज में तो अभी है भी नहीं। क्या बात है, मतलब। और अभी जो मैं आपको पप्स दिखाऊंगा वो अभी तक दिल्ली में वो बोर्न नहीं हुआ है, मतलब जो कलर बोर्न, जो कलर क्रिएट है, हाँ जी, वो फर्स्ट बोर्न इन दिल्ली। क्या बात है। और जो हमारा जो टॉपिक है आज का वो पूरा फ्रेंच बुलडॉग हम दिखाएंगे, कवर करेंगे, और फुल डिटेलिंग ब्लॉग बनेगा पूरा का पूरा। और सबसे पहले मैं अभी भाई से आपको थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन करा देता हूँ। इनका नाम है रवि भाई, ठीक है, और आज अभी के पेट्स नाम से आप इन्हें जानते ही होंगे, मैंने इनके काफ़ी पहले भी कवर करे हैं ब्लॉग, वो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, तो जाके चेकआउट कर लेना है पूरे दिल्ली NCR में। ये इनका होम ब्रीडिंग का कुछ बिजनेस वगैरह है। okay? हमारा होम ब्रीडिंग का प्रॉपर एक फैमिली है, पेट फैमिली, आज के पेट्स एक पेट फैमिली है जैसे, हाँ जी, जो उसकी आज से 4 to 5 साल पहले शुरू किया। क्या बात है, मतलब काफ़ी लंबा इनका प्रोसीजर भी है। हाँ जैसे कि सूरज भाई आपने देखा भी होगा कि अलग अलग ब्रीडों में डील होती है। हाँ जी हाँ जी, सारी होम ब्रीडिंग। क्या बात है, मतलब कुछ लोगों की अपनी चॉइस के हिसाब से करते हैं। और देखो अगर कोई पिटबुल है या कोई ब्रीड है तो जेन्युइनली वैसा दिखना जरूरी है, और इस चीज़ को मेंटेन करते हैं हमारे रवि भाई। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के, काफ़ी टाइम हो गया, काफ़ी लंबा इंट्रो हो गया हमारा, तो करते हैं स्टार्ट बिना किसी देरी के, लेट्स गो। गाइस आ चुके हैं हमारे पास प्यारे प्यारे क्यूट क्यूट से कुछ फ्रेंच बुलडॉग, ठीक है, और इसका नाम क्या है पहले मुझे ये बताओ। इसका नाम डुगू है। डुगू? डुगू है, डुग डुग कर रहा है उतनी देर से, रुक ही नहीं रहा। वाओ ऑसम। ओके, एज की बात करिए तो कितनी एज होगी भैया इसकी? ये अभी 2.5 साल का हो चुका है। 2.5 साल का है गाइस, अब देख सकते हो क्या क्यूट सा ही लग रहा है। ओए मतलब ये काफी ज्यादा फ्रेंडली होते हैं, अग्रेसिव तो होते नहीं है मेरे हिसाब से। इस ब्रीड की बात करें, हाँ जी, तो ये रॉकेट बन जाता है 2 मिनट में। बीगल सबसे ज्यादा लोग कहते हैं कि नटखट बीगल होता है, लेकिन जिन बंदों ने फ्रेंचाइज, जो फ्रेंचाइज के ऑनर हैं, जो इनके पेट पेरेंट हैं, अगर हम उनकी बात करें तो वो जानते हैं कि ये कैसी ब्रीड है क्योंकि वो इन्हें परख चुके हैं। तो ये बात करें कितने फ्रेंच बुलडॉग होंगे अभी आपके पास? अराउंड 7 to 8 हैं, और अलग अभी अलग कलर्स में, अलग अलग कलर्स हैं, सारे एक से एक एक्सोटिक मिलेंगे आपको, अलग अलग कलर्स हैं। क्या बात है, ये भी बहुत अच्छी चीज है। बात करें इनकी डाइटिंग वगैरह की, तो क्या डाइटिंग रहती है फ्रेंच बुलडॉग की? इनकी डाइटिंग है ना, बड़े चूजी होते हैं खाने में, हाँ जी, चिकन और रॉयल कैनिन का फीड होता है, हाँ जी, और बहुत सारे मल्टी विटामिन भी यूज होते हैं इनके लिए, जैसे कि और बुली मैक्स के भी काफी प्रोडक्ट यूज होते हैं, जैसे लिक्विड गोल्ड है। क्या बात है, मतलब क्योंकि अभी देखो यार सर्दी का टाइम है, हाँ जी, तो अभी आप इन्हें जैकेट वगैरह पहनाने से इनके ना कोट वगैरह, फर वगैरह उसका ग्लो चला जाता है, उसके लिए ओमेगा 3, हाँ जी, और बोन मील, मतलब काफी सारे डाइट मेंटेन, बहुत सारी डाइट प्लान्स होती हैं जो अपनी चॉइस के हिसाब से जो भी बेस्ट लगे वो आप अवेलेबल करा देना, ठीक है, हमारे व्यूअर्स को। तो गाइस ये आ चुकी है हमारे पास एक फीमेल, बहुत एक्टिव है यार, जब से मैंने इसे देखा है तब से भागी ही जा रही है, भागी ही जा रही है। ओके क्या नाम है इसका? इसका नाम चेरी है। चेरी नाम है, ओके गाइस देख सकते हो। वैसे इसकी एज की बात करी है तो कितनी एज होगी इसकी? ये भी 2 साल की है। 2 साल की है, ओके। केसी का बेबी है? नहीं ये इसका बेबी नहीं है, हाँ जी, ये जो हमारे पास इम्पोर्ट लाइन की है, जो आपको बहुत ही खतरनाक चीज दिखाने वाला हूँ, ये उसका, उसके साथ की फीमेल है। वाओ लिटरली काफी क्यूट लग रही है ये, देखो आप
गाइस ये देखो कितने एक्टिव है, मतलब कितने डेज की अगर बात करी जाए तो अभी 2 मंथ्स कंप्लीट कर चुके हैं ना। 2 मंथ्स ओके, तो वैक्सीनेशन वगैरह तो अभी इसकी थोड़ी बहुत तो डन हो ही चुकी है, बस डीपी हो चुकी है। अच्छा, क्योंकि हम अगर इन्हें घर से बाहर निकाल रहे हैं तो प्रॉपर पब डीपी होने के बाद ही निकाल सकते हैं ना। क्या बात है, तो मतलब इनकी वैक्सीनेशन का भी काफी ध्यान रखो। कौन सा कलर बोलते हैं वैसे इन्हें भैया? इन्हें ब्रिटिश फॉन कलर शेड होती है अलग अलग। हाँ जी, ओके। तो क्योंकि एक कलर में भी काफी शेड्स होती है, ओके ओके, हमें उसे समझना पड़ता है। धीरे 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 ये कलर और खुलेगा। ओके, तो मतलब फ्रेंच बुलडॉग में जो कि बात करें अगर साइजेस वगैरह नहीं होते हैं, कलर्स होते हैं। हाँ नहीं, फ्रेंच बुलडॉग में क्वालिटीज देखी जाती है। हाँ जी, जो कि मैं आपको धीरे धीरे पप के अकॉर्डिंग अभी आपको बताऊंगा। तो इन्हें अगर बात करी जाए इन्हें जज करने की, कैसे पहचानते हैं इन्हें, तो मुझे वो चीज बताओ। जैसे कि कुछ लोग, हाँ फ्रेंचीज की अगर हम बात करें तो इनकी सबसे सुपर क्वालिटी पप्स वगैरह में आप देखोगे। हाँ जी, तो इनका हेड फेस, हाँ जी हाँ जी, है ना। और जो इनके इयर्स होते हैं धीरे 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 बिल्कुल रैबिट की तरह उठना शुरू हो जाते हैं। क्या बात है, मतलब कान एकदम खड़े हो जाएंगे। हाँ, और सबसे ज्यादा जो इनकी टेल होती है, लाइक किन की वो ऐसी होती है? हाँ, किन की टेल होती है जो पप में भी आप देख सकते हो ना। ओके, किन की टेल होती है प्रॉपर। जी? और इनका बिहेवियर थोड़ा ना नॉटी, मतलब नॉटी होता है ना बंदा, बिल्कुल नॉटी नॉटी हरकतें करता रहता है, शरारते ये बिल्कुल वैसे। देखो 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 एकदम से, मतलब पप भी इनके ऐसे होते हैं ना, घर के अंदर पूरा घर का टाइम पास बहुत ही अच्छे से कराएंगे। क्या बात है, फुल एनर्जेटिक ब्रीड होती है, मतलब इन्हें ज्यादा वॉकिंग वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती है, खुद ही एक्टिव अपने आप कर लेते हैं। इनका ऐसा है कि इनको वॉक पे तो डेली लेके जाना पड़ता है। मुझे तो ऐसा लगता है ये खुद ही मतलब अपने आप ही सेटिस्फाई हो जाते हैं, मुझे ऐसा लगता है। इनको पार्क में लेके आता हूँ, पूरे पार्क में घूमते रहते हैं। अगर घर में है तो घर में कूद कूद के फुल एकदम मस्त रहेंगे। बस अगर बंदों को शिकार, एक होता है ना जैसे बीगल ब्रीड थी, एक्चुअली क्या फ्रेंच बुलडॉग में लेके आया, मेरी बीगल फीमेल थी एक, और वो मतलब उसका मिसकैरेज हो गया था, उसका दोबी एक्सपायर हो गई थी। हाँ जी, तो मेरा दिल नहीं लग रहा था, लेकिन दोबारा हिम्मत नहीं हो रही थी बीगल पालने के लिए। हाँ जी, क्योंकि उस क्योंकि उसके बाद टिन्नी के अलावा लगाव नहीं हो पा रहा था ना उसमें। तो मेरे पास सबसे पहले मेरी जैक आई थी। हाँ जी, जैक से मिलवाता हूँ आपको। ओके, और फिर वहाँ से फ्रेंचाइज की स्टोरी शुरू हो गई मेरी। क्या बात है, फिर लाइन लगा दिया आपने भाई, प्यार ही बढ़ता गया। मतलब ऐसा नहीं है जो ये जानते, कोई एक ब्रीड नहीं है हमारे पास। हाँ जी, माइक्रो काफी सारी ब्रीड्स है, एक्सोटिक्स है, और मोस्टली जैसे कि अब ये ब्लड लाइन है। हाँ जी, इसके सारे पेपर अमेरिका से ही बन के आ रहे हैं, क्योंकि अमेरिकन कल्चर की ब्रीड है, प्रॉपर प्योर ब्लड लाइन है। ओके, मतलब ये जो ब्रीडिंग है ये भले ही इंडिया में दिल्ली में हुई है, पर इसका लेवल अमेरिकन है। वाओ, जो बंदे इंपोर्ट कराते हैं। हाँ जी, और ये देखो कितने ज्यादा क्यूट है। अब मुझे वो चीज दिखाओ जो आप बता रहे थे, काफी ज्यादा रेयर वगैरह है, उस पे चलते हैं, उसकी थोड़ी सी डिटेल्स देते हैं आपको। चलिए, लुक एट दिस, ये है वो पपी जो काफी ज्यादा रेयर माना जाता है। क्यों भैया? ये रेयर कलर, विच कलर, कलर कौन सा इसका? ओके, तो ये गाइस ओनली वन इन इंडिया है? नहीं, ये दिल्ली फर्स्ट बॉर्न पप इन दिल्ली है। in इंडिया Delhi, में एक अलग ब्लड लाइन आई थी। हाँ जी, जिस डॉग का नाम क्रिस्टल था। हाँ जी, उसी की ब्लड लाइन से आई है। okay. और दिल्ली में फर्स्ट बॉर्न पप है, क्योंकि प्राइस ही और मेटिंग इसी इतनी महंगी है। हाँ जी, सवा लाख की लोग अफोर्ड भी नहीं कर पा रहे, सवा लाख रुपए मेटिंग फीस है। ओके, तो गाइस इसी से आप गेस कर सकते हो कितना एक्सपेंसिव, कितना प्यारा, ओ एक्टिव कितना है यार, लिटरली। हाँ, यार बहुत एक्टिव है ये। हाँ जी, वैसे कितने डेज के हैं ये पप्पी? ये 2 मंथ्स के हो चुके हैं ना सारे। ओके, और देखो शैतानी में तो ये, इसका नाम नंदी है। हमने इसका नाम नंदी रखा है, और ये बहुत ही लाडला है हमारी फैमिली का। ओके, अभी के वक्त ये जब तक अपनी फैमिली में नहीं जाता तब तक तो हमारी फैमिली का लाडला है। वाओ, कितना क्यूट लग रहा है यार, सकते हो ना, मतलब प्यारी, समझ गई। ये देखो मतलब कितना एक्टिव है, ये मेरे लिए गॉड गिफ्टेड है भाई। हाँ जी, क्योंकि इसका जो ये अभी एक ही पप से आपके पास? हाँ, ये कलर हमारे पास एक ही है, मतलब हमारे पास अब हमारे पास इस ब्लड लाइन में और भी पप रेडी हो रहे हैं, लेकिन वो भी छोटे हैं जी। हाँ, तो अगर किसी को पप्स वगैरह चाहिए तो सारे पप्स इनके पास मिल जाएंगे, क्यूट क्यूट से। ये देखो मतलब हमेशा मिलेंगे ना, 12 महीने। हाँ भाई, ऑलवेज फ्रेंच बुलडॉग के पास ये है कि कलर का थोड़ा इशू रहता है, क्योंकि कलर भी अब काफी आ रहे हैं। कोई नहीं, आप वो डिस्कस करके मैनेज कर लेना। वैसे आप ये बताओ पप्पी को क्या डाइट वगैरह आप अभी दे रहे हो? इनकी क्या लगता है, इतनी शैतानी करने वाले पप्पी की डाइट क्या नॉर्मल होगी? तो वही तो जानना है मुझे, वही तो एक जानने का वो है विषय। इनकी डाइट में सबसे ज्यादा है ना हम यूज करते हैं MyBew का, जो उनका ओमेगा 3 का होता है पेस्ट। हाँ जी, हाँ वो यूज करते हैं इसके लिए। ओके, और फीड में स्टार्टर रॉयल कैनिन है इनका। हाँ जी, और सैरलेक है, और लैक्टोको इनका रॉयल कैनिन का डॉग मिल्क आता है जो। हाँ जी, वो भी दिया जाता है, क्योंकि जो कि इनके लिए जरूरी है। अगर हमें इतना 2 महीने में अगर हमें देखो सोचो इतना एक्टिव पप रेडी करना है तो फीड
देनी जरूरी होती है। अगर हम उनसे अच्छी डाइट ही नहीं देंगे तो कैसे हो। और बात ये नहीं होती डाइट दे दी हमने, बात ये होती है इनका पेट भले छोटा सा है जी, और उसको भरना ज्यादा मुश्किल काम नहीं है जी। अच्छा, अच्छी डाइट देना उसको, प्रॉपर प्रोटीन मिनरल, जो प्रोटीन विटामिन कहते हैं वो सही में पहुंचाना जरूरी होता है। इनकी डाइट कोई ज्यादा नहीं है जी, इनकी केयर करना। और सच में यार जब आप कोई पप्स लेते हो तो ये समझ लो एक आपका ये फैमिली मेंबर है, मतलब आपको इतना लगाव हो जाएगा इससे, क्योंकि मेरे पास भी मेरा रोमियो है, मेरे पास भी अमेरिकन बुली है। हाँ। भाई क्या बताऊँ, लिटरली इतना सही है बंदा, वो भी उसकी हरकतों से, इनकी हरकतों से प्यार हो जाता है। क्यों भाई, आपने तो रखा है, आपको तो पता नहीं कितने डॉग से प्यार है, पूरे डॉग लवर है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो ये ब्लड लाइन है ये फ्यूचर में जाके ये भी मार्ले प्रोड्यूस करेंगी, इसकी सिस्टर है। हाँ जी, मजल देख सकते हो ना, क्या शानदार मजल है जो जो कि हेड फेस को और बड़ा बनाता है। क्या बात, और हाँ मार्ले में भी यही है जी। देखो देखो कितने शैतान है ये। हाँ मतलब रुकेंगे नहीं, अगर मैं इनको छोड़ दूँ तो फुदकते मिलेंगे, देखो देख सकते हो। एक बार छोड़ना, एक बार छोड़ना। हाँ आ जाओ, आ जाओ नंदी, कम कम नंदी, नंदी का मूड नहीं है अभी। नंदी चलो 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 नंदी, नंदी गाइस ये है रवि भाई की प्यारी सी क्यूट सी, क्या नाम था इसका? इसका नाम जैक मामा है। जैक मामा, हाँ मतलब इसका मामा लगा रखा है इसके नाम के साथ हमने। ओके, वो वैसे काफी क्यूट है। और ये जो जो कलर है ये हाँ। कैसा कोट है? मैं तो ये ब्रिंडल, वैसे ब्रिंडल शेड कहते हैं। हाँ जी, और ये इसकी डॉटर है अदा। हाँ जी, हाँ ये इसकी डॉटर है अदा। ओके, ये इसकी डॉटर है गाइस, ये देखो ये भी बहुत ज्यादा फुल एक्टिव है। वैसे इनको क्या डाइट वगैरह मिल रही है? चिकन और रॉयल कैनिन की डाइट चल रही है अभी तो उस पे। ओके, और मिल्किंग वगैरह के लिए ओके अलग अलग चीजें सप्लीमेंट्स वगैरह देनी होती है। ओके, अब मुझे बताओ जैसे कि अभी इसकी एज क्या है वैसे? इसकी एज 3-3.5 साल हो चुकी है। 3-3.5 साल है तो आप देख सकते हो। स्टार्टिंग जो सबसे मेरी फीमेल स्टार्टिंग है फ्रेंचाइज में, हाँ जी, वो ये एस्टर की ही मतलब इम्पोर्ट लाइन की ही डॉटर है। क्या बात है। और प्रॉपर मतलब उस टाइम पे रेयर इन इंडिया ही आया था जब मैं इसे लेके आया था अपने घर। गाइस देखो कितनी शांत है, मतलब सारे फ्रेंडली होते हैं। नहीं नहीं ये तो बाकी तो देखो शैतान है। हाँ जी, पर ये शुरू से मेरे वैसे काटने वगैरह वाला तो सीन नहीं होता। नहीं 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 ये ऐसा फियरलेस ब्रीड है ये भी। अच्छा जी, जैसे मेरी अदर ब्रीड है उसी ब्रीड की तरह ये भी एक मेरी जो ब्रीड है पसंद वाली, ये फियरलेस है। तो भाई जैसे कि सारा इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दिया है, जो भी पप्स वगैरह हैं ये देखो कितने क्यूट क्यूट हैं, जो भी क्यूरीज है आप इनसे कर सकते हो, डाइट को लेके हो, क्यूरीज इन्फॉर्मेशन हो, या अगर आपको अपना कोई फैमिली मेंबर बनाना है तो रवि भाई से कॉन्टेक्ट कर सकते हो। सारी कुछ ऑल ब्रीड्स में भी है, और बाकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, इनके सारी ब्रीड्स में डील करते हैं। और अगर आपको फ्रेंच बुलडॉग भी चाहिए तो वो भी मिल जाएंगे। और अभी हम यहाँ पे एक अंकल जी मिले थे। अंकल जी कैसे हो? बहुत बढ़िया बढ़िया। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोल दो एक बार। जी जी जी, सब्सक्राइब आप ही बोल दो, सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करें। क्या बात है, क्या बात है। तो सूरज दिल्ली वाला को भी कर देना और इसको भी कर देना, और वो मेरा सेकंड चैनल है, उस पर भी बहुत अच्छे अच्छे कॉन्टेंट आने वाले हैं, और रवि भाई को फुल सपोर्ट करना चाहिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। देखो सबसे ज्यादा मैं फिर से कहूंगा यार, लोगों का ट्रस्ट, हाँ ट्रस्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। लोगों का टूट चुका है लोगों पे से, बिल्डरों पे से। हाँ जी, तो भाई देखो मैं, मेरी शुरुआत कोई एक दिन की नहीं है। हाँ, इनको काफी 4-5 साल हो गए हैं अपनी तो अपने फील्ड में काम करते। अगर मैं किसी का 20-50 हज़ार रुपए रोक ले, किसी का अगर फ्रॉड करता तो शायद मैं इस फील्ड में इतना आगे नहीं आता, और 1,25,000 की मीटिंग लेके नहीं आता। वाओ अमेजिंग, तो इनको भी एक शाउट आउट है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब टिल देन बाय, लव यू। और अगर कोई क्यूरीज हो तो इंस्टाग्राम पे पूछ लेना, यहाँ पे यूजर नेम आ रहा होगा मेरा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।